नमस्कार दोस्तों, और आज हम हैं पवन चौक बड़ा बाजार कोठरी जिला सीहोर मध्य प्रदेश में, और गुरु हनुमान व्यायामशाला कोठरी के तत्वावधान में ये हो रहा है एक शानदार राज्य कुश्ती स्तरीय दंगल। और रूपेश पटेल जी नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से के तत्वावधान में ये हो रहा है आज राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, और ये है छुट्टी की इनामी कुश्ती। विक्रम पहलवान विक्रम यादव फिरोजाबाद और बलराज पहलवान के बीच में, और यह राजू पहलवान रेफरी जो आप देख रहे हैं एकदम तन्मयता से तल्लीनता से बाउट को देखते हुए। रेफरी की निर्णायक भूमिका होती है, रेफरी का अंतिम निर्णय ही मान्य होता है दंगलों में, इसलिए एक बहुत ज़रूरी जो होता है रेफरी का। और ये कुश्ती अभी चलती हुई, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जनता खड़ी हुई देख रही है। देखिए एक दाव जो था कैंची का लगाने की कोशिश करी विक्रम पहलवान ने, लेकिन बहुत खूबसूरत बचाव किया बलराज ने। तो ये एक बार फिर देखिए कुश्ती जो है कसमकस की ओर एकदम किनारे पर कुश्ती हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, यही बच्चे जब कुश्ती देखेंगे तो एक दिन बड़े अच्छे पहलवान बनेंगे ये लोग भी। देखिए पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है, और बी डी बेरा जी जो थाना अध्यक्ष है उनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही एकदम जो है व्यवस्था बनाने में। तो पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा सहयोग है, हमेशा इन दंगलों में रहता है पुलिस डिपार्टमेंट का। जो और कुश्ती बाहर गई, रेफरी ने इशारा किया दोनों पहलवानों को अंदर आकर कुश्ती लड़ने के लिए, और शानदार ये कुश्ती का मैच, जानदार ये कुश्ती का मैच दोनों पहलवानों के बीच में। उत्सुक होकर जनता कुश्ती देखती हुई, एक बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य है, पीछे एक बड़ा अच्छा पेड़ भी है जो दिखाई दे रहा है दोनों, जिसके नीचे खड़े होकर आराम से लोग बाग कुश्तियाँ देख रहे हैं। मोबाइलों पर फिल्म बन रही है आज पहलवानों की, कोई फ़ोटो ले रहा है तो कोई अपने दिमाग में ही याद करेगा और हमेशा हमेशा के लिए। देखिए दाव कितना अच्छा विक्रम ने लगाया, और बहुत चतुराई से बहुत तेज़ी से इस अपने कारीगरी को इस्तेमाल करते हैं विक्रम पहलवान, लेकिन ऐसा लगता है कि बलराज पहलवान अच्छा बचाव कर रहे हैं अपना। और बड़ी ही शानदार देखिए कैसे कुश्ती चल रही है, आराम से बैठे हुए बलराज पहलवान और विक्रम लगे हुए उस अपना कुछ हासिल करने में, कलाकारी अपनी दिखा रहे हैं, और बचाव की मुद्रा में बलराज पहलवान। और अब ये कुंडा डाल दिया, जांघिया पकड़ लिया है विक्रम पहलवान ने, कुछ हो सकता है कुश्ती में, देखते हैं क्या होता है। और कोशिश करी है एकदम 90% कुश्ती जितने पलट गए हैं, ब्रिज बनाया बलराज पहलवान ने, लेकिन अभी भी फंसी हुई है कुश्ती। विक्रम पहलवान ने लंगोटा पकड़ा हुआ है और बलराज पहलवान बचाव की मुद्रा में है। रेफरी राजू पहलवान असमंजस की स्थिति में होंगे कि क्या करूं, निर्णय दूं या ना दूं। इसी बीच बचाव कर लिया है बलराज पहलवान ने, लेकिन भारी पड़ते हुए विक्रम पहलवान, मज़ेदार कुश्ती विक्रम पहलवान की। और देखिए किस तरह से फंसा रखा है विक्रम पहलवान फिरोजाबाद ने,
तो ये है पहलवान जो प्रचार करते हैं हेल्थ का, हैप्पीनेस का। और देखिए एक बार पैर को फंदा बनाकर कोशिश करी विक्रम पहलवान ने, लेकिन फिर नाकामयाब रहे। अच्छे चतुर पहलवान दिखते बलराज भी। ये बलराज पहलवान बड़े अच्छे पहलवान हैं, चैंपियन पहलवान हैं अपने क्षेत्र के, अपने ज़िले के। और इधर विक्रम फिरोजावाला अपने क्षेत्र के, ज़िले के चैंपियन पहलवान हैं। तो दोनों चैंपियन पहलवानों के बीच की ये कुश्ती, पहली जोड़ की ये कुश्ती जो है, छुट्टी की जो कुश्ती है, ये सीहोर के इस मैदान में। और देखिए पूरी तरह से हावी होते हुए अब विक्रम पहलवान, और देखते हैं कि क्या हासिल होता है। हालांकि समय अभी बहुत बाकी है। एक बार फिर कुंडा डालते हुए विक्रम पहलवान, देखते हुए राजू पहलवान, पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है। और लोग देखिए किस तरह एक टक होकर, टकटकी लगाकर कुश्ती को देख रहे हैं। और इस प्रकार कुश्ती धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर पहुंचती हुई, और छुड़ाते नहीं है यहाँ पर। अगर हरियाणा और दिल्ली होता तो थोड़ी देर इनएक्शन में पड़ी कुश्ती को छुड़ा देते हैं। लेकिन यही देसी कुश्ती का मज़ा भी है कि मर्द होगा तो खुद खड़ा होकर निकलेगा अपने पहलवान के सामने से और ताली बजेगी। लेकिन यहाँ पर बलराज पहलवान होल्ड किए हुए हैं, मौका ताड़ने के बाहर निकले। इधर विक्रम पहलवान ने घुटना एक बार फिर रख दिया है, बाहर कुश्ती हो रही है ज़्यादातर। अखाड़ा थोड़ा छोटा लगा मुझे, और लेकिन फिर भी मज़ेदार कुश्ती है। और लोग तालियां बजाने लगे हैं, एक्शन में आ गए हैं। पीछे दर्शकों के बीच हलचल बताती है कि कुछ होने वाला है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, दंगल कमेटी मुस्तैद है। और तारीफ़ करनी होगी रूपेश पटेल जी की, जो कि जगदीश पटेल जी के पुत्र हैं, नगर परिषद अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया ये दंगल जो है प्रायोजित करवाया है। और एक बार फिर दोनों पहलवान खड़े होकर मैदान में आके डट गए हैं। समय हो चुका है, थोड़ा सा थकान पहलवानों पर दिखाई दे रही है, और लेकिन दर्शक तालियां पीटकर पहलवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। बैंड बज रहा है, बैंड जो है, बैंड बाजे वाले मस्त एकदम बजा रहे हैं, मोबाइल ऑन है, कुश्ती चल पड़ी है। और एक बार फिर विक्रम पहलवान फिरोजाबाद, और विक्रम ने दाव लगाया, टांग मारने की कोशिश करी इस बार, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर दोबारा एक बार इस तरह धीरे 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 कुश्ती अपने अगले पड़ाव की ओर पहुंचती हुई, अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचती हुई कुश्ती। ये मिट्टी लगाकर पहलवान ये तय कर लेते हैं कि अगर वो कोई दाव लगाए तो उनका हाथ न फिसले। और कुश्ती चल रही है डिफेंसिव मोड में, डिफेंसिव रक्षात्मक मुद्रा में बलराज पहलवान, और आक्रामक मुद्रा में विक्रम पहलवान फिरोजाबाद। और देखेंगे कि क्या हासिल होता है इस कुश्ती से। ये कुश्ती का अभी तक जो निचोड़ निकला है कि बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं बलराज पहलवान, तो बाहर जो भागना वो एक पहलवान के लिए कतई सम्मानजनक नहीं है। चलिए देखें, शायद वो अपना कुछ दाव लगाएं, अपने कोई थकाने की अपनी उनकी योजना हो विक्रम पहलवान को। लेकिन फिर बाहर पहुँचे और फिर विक्रम अंदर लेकर आए पहलवान को, और जांघिया उन्होंने पकड़ रखा है। शायद विक्रम ने जांघिया जानबूझ के ही पकड़वा रखा है, क्योंकि एक्शन कुछ नहीं है जांघिया पकड़ के। तो ये है जांघिया पकड़। और ये फिर एक बार बाहर से अंदर की ओर आती हुई कुश्ती, राजू पहलवान ने इशारा किया दोनों पहलवानों को बीच में आकर कुश्ती लड़ने का। मिट्टी लगाना मिट्टी के कुश्ती में अक्सर आप देखते हैं, ताकि मजबूत पकड़ हो सके। और बैंड बाजे के साथ कुश्ती का एक बार दोबारा फिर आरंभ हो चुका है। थोड़ा सा
ढीलापन कुश्ती में। एक बार फिर देखिए बाहर जाएंगे मुझे लगता है बलराज पहलवान, जो कि होना नहीं चाहिए। और टांग चंटी मारने की कोशिश करी इस बार विक्रम ने, फिर बाहर गए बलराज पहलवान और अंदर आकर चैलेंज देते हुए विक्रम पहलवान मिट्टी फिर लगा रहे बलराज पहलवान। कुछ करेंगे लगता है इस बार, इशारा किया लड़ने का लेकिन खड़े हो गए विक्रम पहलवान। फिर दोनों हाथ पकड़ के कसमकस, और ये टाइम काफ़ी हो चुका है, एक दूसरे को तोल चुके हैं पहलवान, लेकिन अभी भी कुश्ती को रोके हुए। और एक बार फिर विक्रम ने थोड़ा एक्शन लिया, लेकिन मजबूत है बलराज पहलवान, तो इतनी जल्दी से वो हिलने वाले नहीं लगते। और एक बहुत बढ़िया दाव विक्रम ने लगाया, बिजली की फुर्ती से नीचे बैठे और जांघिया पकड़कर अपना लोट का प्रोग्राम बना दिया मुझे लग रहा है। तेजी से नीचे बैठकर क्रॉस मारने की यह कोशिश विक्रम पहलवान की है, लेकिन पैर लगता है फंस गए हैं, तो अभी देखते हैं क्या होगा। ये रोकने की कोशिश में है, और देखिए कुछ जनेऊ टाइप का कुछ दाव भाई विक्रम पहलवान लगाना चाहते हैं। शानदार पहलवान है, कहीं ना कहीं से दाव पकड़ लेते हैं विक्रम पहलवान, तो अब लगता है फंसे हुए हैं। और बलराज पहलवान ने भी पैर पकड़कर बचाव की कोशिश करी है, ऐसी स्थिति में कभी कभी पैर मुड़ जाता है, लेकिन बच गया है विक्रम पहलवान ने, पैर अपना बाहर निकाला बलराज पहलवान फिर बाहर जाते हुए। और ये मच्छी गोता की पोजीशन आई, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि बैठे हुए थे, और कुश्ती बाहर। तो अभी लगता है समय लगेगा कुश्ती को होने में। और ये देखिए दर्शक कितनी तल्लीनता से मैच देखते हुए, अंदर कुश्ती आई, पंद्रह मिनट कुश्ती को हो चुके हैं, और दो तीन मिनट का लगता है, चार पाँच मिनट अभी और चलेगी कुश्ती मुझे लगता है। ये कुश्ती थोड़ा संघर्षमय होती हुई, एक दूसरे को तोलते हुए पहलवान और विक्रम पहलवान ने अभी ऐसे ही खड़े खड़े एक अचानक दाव लगाकर क्रॉस फेंकने की कोशिश करी, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। इस बार विक्रम पहलवान बाहर, और धीरे धीरे पहलवान पसीने बहाते हुए पहलवान, और सामने राजू पहलवान आ गए हैं। जो लोग ये कुश्ती देख रहे हैं पहलवान गुरु खलीफा, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि कैमरे के सामने ना आए, दर्शकों का जो है, जब टीवी पर जो दर्शक इसे देखेंगे बाद में उनका जो है उनको परेशानी होती है। खैर ये सेंस अभी आना है, बाकी है दंगलों में कुश्ती जगत में कैमरे के आगे ना खड़े होने का, पर फिर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है राजू पहलवान। और ये अभी चलती हुई कुश्ती कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन अब की बार बहुत अच्छा बचाव किया और पीछे लेकर नीचे बिठाया विक्रम को, लेकिन बाहर कुश्ती पहुंची है। और कितना सुंदर समा है, बढ़िया हवा चल रही है, बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए कुश्ती चलती हुई, दर्शकगण मौजूद। हाँ विक्रम की कुश्ती है भाई, दर्शकों ने जाना नहीं है, चाहे बरसात हो जाए तूफान आ जाए, और ये बात विक्रम साबित भी कर रहे हैं अभी तक, जहाँ भी वो सीहोर में आए हैं अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं वो, तो इस बार भी मौका है विक्रम के पास दर्शकों को लुभाने का, दर्शकों को मनोरंजन अच्छा देने का, और ये हो भी रहा है। लेकिन इस बार पट खींचे है बलराज पहलवान ने, बाहर करा विक्रम पहलवान को, और कुछ थकान दोनों पहलवानों के ऊपर दिखाई देती हुई। क्या होगा कुश्ती का, बलराज या विक्रम? बैठकर विक्रम बलराज पहलवान लड़ते हुए धक्का मारकर बाहर किया, लेकिन यहाँ पॉइंट की कुश्ती नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है बाहर करने का। एक बड़ी तेज़ी से पट लगे हैं और बांध कर पैर मारा है, टांग मारी है, और ये जांघे पकड़ लिए एक बार फिर, शायद घुटना रखने की या कुंडा डालने की मुद्रा में विक्रम पहलवान। मज़ेदार कुश्ती दर्शकों के लिए, बहुत लंबी चली हुई कुश्ती, और दर्शकों का एकदम पैसा वसूल कुश्ती जो है ये
मनोरंजन जो है विक्रम पहलवान दे रहे हैं, और ये उठा लिया है सर, क्रॉस फेंकेंगे, फौजी दाव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नीचे पौवा खींच कर गिराया, और ये क्रॉस में पैर मोड़ा। ये बहुत ख़तरनाक पोजीशन है, रेफरी को यहाँ पर छुड़ा देना चाहिए। और अब कुश्ती फंस गई है, कुछ ईरानी घेरने के प्रयास में है शायद, लेकिन फंसी ईरानी और जनेऊ डाल दिया है। और देखिए एक परचित होते होते बचे बलराज पहलवान, और कोशिश जारी है विक्रम पहलवान की, एकदम नीचे पड़े हुए फंसे हुए ईरानी टाइप दाव में बलराज पहलवान बड़े ध्यान से कुश्ती को देखते हुए राजू पहलवान, लेकिन अभी लगता है दोनों कंधे नहीं लगे, जब तक दोनों कंधे नहीं लगेंगे कुश्ती हुई नहीं मानी जाएगी। और पैर फंसा हुआ है देखिए, और कुश्ती इस तरह से चल रही है, पूरी कोशिश में है बलराज पहलवान बचने के और विक्रम पहलवान चित करने के, तालियां बजाकर दर्शक अभिवादन कर रहे हैं। देखो हार जीत जब होगी तभी कुश्ती का फैसला होगा, लेकिन बड़ी खूबसूरती से बचाव कर लिया है विक्रम पहलवान ने, क्या समा बांधा है रूपेश पटेल जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हों रूपेश पटेल जी को जिन्होंने ये समा बांध दिया कुश्ती का। और ये चलती हुई कुश्ती फिर थोड़ा सा रुकी है, और इस बार विक्रम ने पैर पकड़कर उठा लिया है, और फिर नीचे गिरे बलराज पहलवान और फंस गए हैं दाव में, पैर फंस गया है। और देखिए अब क्या होता है, आधा 50% चित हो चुके हैं, लेकिन फिर बच गए, बचने में माहिर है बलराज पहलवान। इस बार मुझे लगता है कि यो हो चित कर दिया है, चित कर दिया साड़ी तोड़कर चित करा बलराज पहलवान को, दर्शकों ने तालियां बजाई, माला पहना दी गई हैं। और ये देखिए, तो ये कुश्ती का जो समा बांधा है यहाँ पर विक्रम पहलवान ने, बधाई देनी होगी विक्रम पहलवान को। और सुनील नेगी जी जो पत्रकार हैं, जो ये वीडियो बना रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना शानदार वीडियो उन्होंने बनाया।